जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि आम में बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं, चारों तरफ आम के पौधों में आपको फूल दिखाई पड़ेंगे। फूल आने से अब फूल समाप्त होने की प्रक्रिया में हम आ गए हैं, धीरे धीरे उसमें फल लग रहे हैं, बहुत सी किस्मों में फल लग गए हैं और फल जो हैं वो मटर के आकार या उससे छोटे आकार के हो रहे हैं। इसी समय हम देखते हैं कि अगले एक सप्ताह से दो सप्ताह के बीच में बहुत से फल आपको ज़मीन पर नीचे गिरे हुए मिलेंगे। इन फलों को गिरने से बचाने का रास्ता है ये कि हम उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रबंधन अच्छे से करें। जब बहुत ज़्यादा फूल आता है और फल लगते हैं तो ऐसे समय में आम के पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसका मुख्य स्रोत जिंक है, और बोरान की भी कमी के चलते फलों का विघटन और उसका बढ़ावा रुकता है। ऐसे में हम सूक्ष्म पोषक तत्व जो आजकल बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं उनके अलग अलग मिक्सचर अवेलेबल हैं, जिसकी 2.5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोल के हम छिड़काव करें, और ये छिड़काव कम से कम हम 10 से 12 दिन के अंतराल पर 3 बार करेंगे, तब हम फल के गिरने की समस्या से बच सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल जब बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं आम में, ऐसे समय में ही बादल आ रहे हैं, हल्की बारिश हो रही है, पाउडी मिल्ड्यू रोग बहुत ही भयानक हो जाता है। हमें पाउडी मिल्ड्यू से बचने के लिए जो रसायन है उनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे आपका सल्फर है जो इसका वेजिटेबल पाउडर आता है, सबसे सस्ता सोर्स है, सबसे सस्ता माध्यम है, जिसकी हम 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर अगर छिड़काव करें 2 बार तो पाउडी मिल्ड्यू की समस्या से बचा जा सकता है। फूल आने से फल लगने की प्रक्रिया में ही हम देखते हैं कि पाउडी मिल्ड्यू आने के साथ साथ बीच बीच में जो पुष्पक्रम है उसके बीच में एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी का भी प्रकोप हो रहा है। तो इस बीमारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर 1 सप्ताह के अंतराल पे 2 बार छिड़काव करें। एक भुंदा कीट है जिसको हम मैंगो हॉपर कहते हैं, उसका प्रकोप ऐसे मौसम में बहुत होता है। मैंगो हॉपर से बचने का तरीका ये है कि आप अपने बाग को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, खरपतवार बिल्कुल ना रहे, और अगर इसका प्रकोप किसी भी आपको फल वृक्ष में दिखाई पड़ता है, किसी भी पौधे में दिखाई पड़ता है, खास करके पुष्पक्रम के बीच में देखें कि अगर ऐसा कोई कीट बैठ रहा है या उसका जो एक हनी जैसा एक पदार्थ भी निकालता है जो लिसलिसा सा होता है वो पत्तों पर दिखाई पड़ता है, तो इसको मारने के लिए या इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि हम थाइमेथोक्सॉम नामक एक दवा आती है, ये नया मॉलिक्यूल है, 1 मिलीलीटर को 3 लीटर जल में मिला के छिड़काव करेंगे तो इस कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये भी ना हो तो हम डाइमेथोएट जो हमारा एक पुराना पेस्टिसाइड है उसका भी प्रयोग 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। इसी समय में कई बार हमको मिलीबग की समस्या आती है। मिलीबग का अच्छा प्रबंधन तो ये होता है कि हम दिसंबर के महीने में ही पॉलीथीन की बैंडिंग कर दें ग्रीस लगा के, ताकि ये कीड़ा पेड़ों के ऊपर चढ़ ना पाए। लेकिन अगर किसी कारण से आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसके प्रबंधन के लिए आप मेलाथियन की 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर जल में घोलकर छिड़काव करें तो इसका प्रबंधन किया सकता है। जब फूल आता है तो बहुत से फूल ऐसे होते हैं जो गुम्मा या गुमछा या गुम्मा स्वरूप में होते हैं, बंच के रूप में होते हैं, उनको हम मैंगो मालफार्मेशन कहते हैं, फ्लोरल मालफार्मेशन। तो जैसे ही फूल से फल लगने की प्रक्रिया पूरी होती है, हमें इन मालफार्म जो पेनिकल्स हैं, पुष्पक्रम हैं, इनको इनके बेस से काट कर अलग कर देना चाहिए और इनको इकट्ठा करके खेत में किसी कोने पे एक गड्ढे में इकट्ठा करके इनको दबा देना चाहिए। जल प्रबंधन के लिए बेहतर हो कि हम अपने खेत में टपक सिंचाई पद्धति रखें, क्योंकि बहुत से बाग बहुत पहले के लगे हैं जहाँ पे सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम रिंग बना के या उसका थाला बना के, बेसिन बना के सिर्फ उसी क्षेत्र में पानी दें। खास करके अगर छोटा पौधा है तो आपको सप्ताह में 1 बार पानी देना चाहिए, अगर बड़ा पौधा है तो आप 10 से 12 दिन के अंतराल पे पानी दे सकते हैं।